गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आवाज क्लियर है मेरी? आपकी सर आवाज सर बहुत सर लो आ सुनो। रही ओके है। चेक करता हूँ मैं। आप बताओ अब ठीक है वॉइस या अभी भी थोड़ा कम आ रही है आवाज? अभी ठीक अभी ठीक है? है। अच्छा ठीक है अभी। ओके। हाँ मैं प्रीवियस स्लाइड देखा था सर। कौन सी, ये वाली ठीक इससे पीछे, ये वाली? है सर। थैंक यू। ठीक है हाँ सर। ओके। हमने एक रैंडम साइकिल पकड़ के उसकी एफिशिएंसी निकाली थी, और फिर मैंने तुम्हें कार नॉट साइकिल की एफिशिएंसी के लिए वही कॉन्सेप्ट लेकिन इजियर फॉर्मूला बता दिया था। इसमें तुम्हें चारों प्रोसेस के लिए अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने के बाद ही ये फॉर्मूला आया। ठीक है, 1 - T2 / T1। ओके, T2 किसका टेम्परेचर होगा? सिंक का लोअर टेम्परेचर। और T1 किसका टेम्परेचर होगा? सोर्स का हायर टेम्परेचर। ये सिंक का टेम्परेचर कैन बी रूम और सराउंडिंग टेम्परेचर, और ये सोर्स का टेम्परेचर में भी फ्यूल का बर्निंग टेम्परेचर। मतलब अगर कोई सोर्स नहीं बोलेगा तो फ्यूल का बर्निंग टेम्परेचर बोल सकता है। ठीक है, पर यूजुअली इतनी क्लियरेंस होती है, समझ में आ जाता है कि कौन सा सिंक है। एक तो हाई और लो से ही पता चल जाता है, सोर्स विल बी हाई, सिंक विल बी लो। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल पर वर्क करता है हमारा हीट इंजन। तब से मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हीट इंजन कार का इंजन। तो हेडिंग डालो हीट इंजन, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, बस मुझे बताना है कि हीट इंजन क्या होता है। हीट सर इंजन, कुड यू गो बैक टू प्रीवियस स्लाइड फॉर अ सेकंड। यस, ये वाली, ये लास्ट क्लास में लिख चुके थे हम। लिख लिया बेटा? यस। ओके ठीक है। हीट इंजन क्या होता है? बेसिकली इट्स अ डिवाइस विच टेक्स हीट फ्रॉम अ सोर्स, विच टेक्स हीट फ्रॉम अ सोर्स ठीक है। इट डज सम वर्क, कुछ वर्क करती है, एंड कभी भी पूरा का पूरा जो हीट आई उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाती। ठीक है, इट डज सम वर्क। अब इंजन है तो वर्क मोस्ट प्रोबेबली किसी टरबाइन पे करेगा, किसी कार के एक्सेल पे करेगा, तो इट विल प्रोबेबली बी प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू समथिंग। हमें नहीं पता किसको, अलग अलग केस में अलग अलग सिचुएशन होगी, तो इट विल बी डूइंग सम वर्क ऑन समथिंग, और देयर विल ऑलवेज बी सम लॉस ऑफ हीट, देयर विल ऑलवेज बी सम लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंक। तो टेक्निकली हीट इंजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये जो कार्नोट साइकिल है, मोस्टली हम यही साइकिल यूज करते हैं इंजन। ठीक है, और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम इस हीट इंजन की एफिशिएंसी लिख सकते हैं। एफिशिएंसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ईटा से। ईटा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आउटपुट अपॉन इनपुट से। आउटपुट क्या होगा? डब्ल्यू नेट। इनपुट क्या होगा? क्यू इन या क्यू वन लिख सकता हूं इस केस में। डब्ल्यू नेट क्या होगा? क्यू नेट अपॉन क्यू वन, और क्यू नेट क्या होगा फिर यहां पर फाइनल फॉर्मूला, ईटा इज इक्वल्स टू क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन, जिसको 1 - Q2 / Q1 भी लिख सकते हैं।
और यूजुअली कार्नोट साइकिल के लिए होता है, लेकिन मैंने नीट में देखा है मेंशन नहीं करते, वो मान के चलते हैं कि सारे हीट इंजन कार्नोट साइकिल पे ही चलते हैं। ऐसा ट्रू नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा, उन्होंने बोला नहीं था कार्नोट साइकिल, फिर भी एफिशिएंसी का यही फॉर्मूला चलाया था, तो तुमको यही फॉर्मूला चलाया। ओके लिख लो, दिस इज अ टिपिकल हीट इंजन। अगर आपको किसी को थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल नहीं आती और आप उसको ये फिगर नहीं बना के दिखाना चाहते, तो आप उसको हीट इंजन ऐसे बताओगे, हीट लेता है, वर्क करता है, बची हुई हीट सराउंडिंग में वेस्ट हो जाती है, हमें एफिशिएंसी निकालनी है। ओके, एफिशिएंसी किस पर डिपेंड कर रही है? सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे। इसका टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2। ठीक है, T2 इज योर लो टेम्परेचर, T1 इज योर हाई टेम्परेचर, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ने वाली तुमको। किसी को कुछ पूछना है सर? 1 - T2/T2 लिखा है सर। ओहो, 1 - T2/T1 होगा। थैंक यू। ओके, 1 - T2/T1, T2/T2 तो 1 ही हो जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी अच्छी एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, द सोर्स शुड बी एट हाई टेम्परेचर, द सिंक शुड बी एट लो टेम्परेचर। ओके, नोट डाउन कर लिया सबने? मेरे को अकोला वाले बैच में 15 क्लासेस लगी थी इसमें, इस चैप्टर में। तुम्हारी 11वीं क्लास है और आज शायद खत्म ही हो रहा है सर पूरा होल चैप्टर। हाँ, एक बार मैं मॉड्यूल उठा के देख लूंगा, पर क्योंकि इतने लंबे टाइम में पढ़ाते हो ना, भूल जाते हो क्या क्या पढ़ाया था, पर आई थिंक सारी चीजें हो गई आज लास्ट। एक बार KTG के फॉर्मूले वगैरह चेक कर लूंगा मैं, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वो सब हो गए होंगे, तो हो गया होगा। ओके, ठीक है, हीट इंजन हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ हीट इंजन वर्क्स एट 60% एफिशिएंसी with its sink temperature at 27°C. Calculate its source temperature. सोर्स का टेम्परेचर बताइए, अगर 60% एफिशिएंसी पे वर्क कर रहा है और सिंक टेम्परेचर इज 27°C।
ओके सॉल्यूशन इज एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस टी 2 बाय टी 1। ठीक है, मैंने परसेंटेज में दी है लेकिन तुम्हें परसेंटेज में पुट नहीं करनी है। एफिशिएंसी विल बी 0.6। ओके ये ध्यान रखना। ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर आपको परसेंटेज में निकालनी है तो जो भी एफिशिएंसी आती है इनटू 100 करना पड़ेगा आपको, और ऐसे परसेंटेज एफिशिएंसी दी हुई है आपको फ्रैक्शन चाहिए तो वो 0.6 है। तो 0.6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2। सिंक का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। इसको आप 27 नहीं पुट कर सकते, इसे आपको 300 केल्विन। जब टेम्परेचर डिफरेंस पुट करना है सिर्फ तब आप सेल्सियस यूज कर सकते हो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पुट करना है आपको केल्विन ही लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाना चाहिए 300 upon T is equals to 1 minus 0.6 that is 0.4 T is equals to 300 upon 0.4 3000 by 4 that is 1500 by 2 that is 750 calculate okay। हाँ, ये ध्यान रखना, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए फिर से आंसर सेल्सियस में ही दिया होगा। तो 750 में से 273 माइनस करो 477 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में लिखा होगा। तो कई बार क्या लगता है, अरे ये भी सेल्सियस में है, ऑप्शन भी सेल्सियस में दिया है, तो सेल्सियस में ही सॉल्व कर देते हैं लोग, तो गलत हो जाता है। ठीक है, हाँ कुछ बोलना चाह रहा था कोई? सर यहाँ पे मैंने ट्राई नहीं किया वैसे, पर अगर हम लोग 300 केल्विन को भी 27 डिग्री सेल्सियस के करें तो टेम्परेचर वन सीधा 20 सेल्सियस के टर्म्स में नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है सर, करके देख सकते हो, नहीं आएगा। हाँ सर, नहीं आ रहा, मैंने चेक किया। ठीक है, ओके चलो एक और करके दिखा दो। अ हीट इंजन with source temperature 500 Kelvin works at 40% efficiency. How much should we increase the source temperature so that efficiency increases by and efficiency increases to 75%? चलो तो इस क्वेश्चन में इनिशियली एफिशिएंसी दी है 40%, तो उससे आप क्या निकाल लो, सिंक का टेम्परेचर निकाल लो। ठीक है,
इनिशियली एफिशिएंसी 0.4 पुट करो और 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स, ठीक है। सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500, तो आ जाएगा 0.6 × 500। आई थिंक टेम्परेचर ऑफ सिंक आ गया होगा 300 आया बच्चों, ओके। और फिर बी पार्ट में एफिशिएंसी चेंज हो गई, क्योंकि हमें क्या चेंज करना पड़ा, सिंक हमने उतना ही रखा, सोर्स चेंज कर दिया। तो चाहो तो डैश लगा दो, नई एफिशिएंसी भी डैश लगा दो, ठीक है। नई एफिशिएंसी है 0.75, 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर उतना ही रखा और सोर्स का हमें नया टेम्परेचर चाहिए, तो हो जाएगा टी डैश ऑफ सोर्स आ जाएगा 300 अपॉन 0.25, 1200, ठीक है, वेरी गुड सर। आंसर तो 700 है ना, ठीक है। अब क्या पूछा है, हाउ मच शुड वी इंक्रीज द सोर्स टेम्परेचर, इंक्रीज पूछा है, तो 500 से 1200, तो 700 वुड बी योर फाइनल आंसर, ओके। डेल्टा टी विल बी 700, वेरी गुड। ठीक है, हीट इंजन, इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है, ठीक है। एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकता कोई, बस लोग भूल जाते हैं क्योंकि और किसी चैप्टर में कभी यूज नहीं हो गए, है ना, इसी चैप्टर का है, तो ऐसे टॉपिक्स लोग भूल जाते हैं, इसलिए गलत होता है, ठीक है। लिख लिया सबने, बेटा 500 था और 1200 चला गया, कितना चेंज हुआ, ओके, 700 है ना। हाउ मच शुड वी इंक्रीज, ठीक है, कितना इंक्रीज करना है वो पूछा हुआ है, ओके। एक चीज और पढ़नी अपने को, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, सो रेफ्रिजरेटर इज अ रिवर्स डिवाइस ऑफ हीट इंजन, ये हीट इंजन के एग्जैक्टली उल्टा डिवाइस होती है, ठीक है। ये गर्म जगह से हीट लेके ठंड वर्क नहीं करती, ठीक है, गर्म जगह से हीट नहीं लेती है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है बच्चों, इट कूल्स डाउन the insides which are already at lower temperature, ठीक है, which are already lower temperature। तो ठंडी जगह से हीट लेना है, ठीक है। तो इसका अगर कोई फिगर देखे बनाए तो अपन को ऐसे करना पड़ेगा, it takes heat from sink, ठीक है, जो लो टेम्परेचर वाली जगह थी वहां से ये हीट लेता है, ठीक है, एंड इट गिव्स हीट टू सोर्स, मतलब जो हाई टेम्परेचर पर जगह है उसको हीट देता है। ऐसा कोई भी डिवाइस अपने आप नहीं कर सकती, कोई भी डिवाइस अपने आप ठंडी जगह से हीट लेके गर्म को नहीं दे सकती, इट नीड्स एक्सटर्नल हेल्प, और वो हेल्प करता है, हर एक रेफ्रिजरेटर में बच्चों एक लगा होता है कंप्रेसर, ठीक है, और वो कंप्रेसर कुछ वर्क करके इसको हेल्प करता है, ठीक है। तो इट टेक्स हीट फ्रॉम सिंक, गिव्स हीट टू सोर्स,
बिकॉज द कंप्रेसर हेल्प्स इट बाय डूइंग सम मेहनत बाय डूइंग सम वर्क. और ये कंप्रेसर किस पे चलेगा, ये कंप्रेसर विल रन ऑन सम इलेक्ट्रिसिटी. द कंप्रेसर रन ऑन सम इलेक्ट्रिसिटी. एक्चुअल में तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस. कंप्रेसर जो है वो एक गैस उसके अंदर रन हो रही होती है, उसको कूल डाउन करता है, कूलर देन इनसाइड टेम्परेचर. फिर वो गैस अंदर से हीट एब्जॉर्ब करती है और फिर उस गैस को वापस एक्सपैंड करके वो हीट इट रिलीजेस दैट हीट टू द रूम. तो बच्चों दो चीजें समझनी है. एक तो यहां पर सिंक जो है, सिंक कौन सी जगह है, इट इज द इनसाइड्स ऑफ द फ्रिज. ठीक है, जिसको हम लोग ज्यादातर फ्रीजर बोलते हैं उसकी बात हो रही है. फ्रिज समझ लेना, फ्रीजर समझ लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और जो सोर्स है इट इज नॉट एग्जैक्टली सोर्स, इट इज द हाई टेम्परेचर प्लेस. तो आपको क्या लगता है फ्रिज की सारी हीट निकाल के कहां दी जाती है वो हीट, इट दैट हीट गोज टू द रूम. हेंस द फेमस क्वेश्चन कि अगर फ्रिज को खोल के उसको चलाओगे तो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. तो फ्रिज जो है अंदर की हीट लेके बाहर ही देता रहता है. ठीक है, तो उस केस में अगर फ्रिज को गेट खोल के आप चलाओगे तो वो अंदर की हीट ही बाहर दे रहा था, तो टेक्निकली रूम ठंडा नहीं होगा. ओके, तो ये आपने अभी क्या बोला, फ्रिज से बोला एक काम करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं फिर मैं फ्रिज वाला क्वेश्चन लिखा दूंगा. ठीक है, हाँ, फ्रिज को अगर गेट खोल के चलाओगे तो रूम ठंडा नहीं होगा, ये मैं बाद में बताऊंगा. गरम हो गया सर, इनफैक्ट गरम हो जाएगा. हाँ, क्योंकि तुम ऐसे सोचो कि एसी भी रूम को ठंडा करता है, पर अगर पूरा एसी रूम के अंदर रख लिया जाए तो रूम ठंडा होगा, गरम होगा. बाहर ठंडी हवा देता है, पीछे गर्म हवा देता है, और उसके अलावा वो खुद हीट होता होगा सो अलग, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन करती है. तो अगर उसने पीछे आके बराबर गर्म ठंडी हवा दी तो रूम का टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा, ऊपर से वो खुद गर्म होगा सो उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा रूम का. इज दैट क्लियर? यस सर. हाँ, तो वैसे ही फ्रिज के लिए भी होता है. वी विल राइट द क्वेश्चन. ये पूरा एसी अंदर लाने के लिए ना सर? हाँ, पूरा एसी. तो फ्रिज को हमने गेट खोल दिया तो टेक्निकली तुम पूरा एसी अंदर ही हो गया ना. अभी उसने सेपरेट कर रखा था, उसके लिए फ्रिज के लिए इनसाइड इज रूम और आउटसाइड इज सराउंडिंग, राइट. एसी के लिए जैसे रूम और सराउंडिंग होता है, ऐसे ही फ्रिज के लिए उसकी इनसाइड इज द रूम. जैसे अंदर कोई रहता हो तो वो उसको ठंडा कर रहा है, समझ रहे हो, और बाहर हीट दे रहा है. ओके ओके सर, अब कर लेंगे, उस पर बात कर लेंगे, लिख लेंगे क्वेश्चन. अभी के लिए रेफ्रिजरेटर क्या करता है, फ्रीजर या ठंडी जगह से हीट लेता है और रूम यानी गर्म जगह को हीट देता है. तो इसको सोर्स नहीं बोलना चाहिए, आई अंडरस्टैंड, लेकिन बोलते हैं क्योंकि हीट इंजन से ही हम इसको सिमिलरिटी लिख रहे हैं. ठीक है, तो इट टेक्स हीट फ्रॉम सिंक एंड गिव्स हीट टू सोर्स, एंड टू डू दैट इट नीड्स हेल्प ऑफ अ कंप्रेसर. और कंप्रेसर जो है वो इट डज सम वर्क. तो अब तुम मुझे बताओ कि इसमें यूजफुल वर्क क्या हुआ, व्हाट इज द यूजफुल जॉब इन द होल प्रोसेस. क्या हम फ्रिज को रूम गर्म करने के लिए चलाते हैं? नहीं. हम फ्रिज को किस लिए चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर किस लिए चलता है, कि सिंक जो है वो ठंडा हो सके, इनसाइड जो है वो ठंडी हो सके. तो जो हीट ये ले रहा है सिंक से, दैट इज द यूजफुल वर्क. क्या ये बात सबको समझ में आई? यूजफुल जॉब यहां पर क्या है? यूजफुल जॉब इज Q2, कि हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनसाइड. दिस इज द यूजफुल जॉब. ठीक है, दिस इज टेक्निकली द आउटपुट ऑफ दिस होल प्रोसेस. इस पूरी प्रोसेस से क्या फायदा हुआ आपको, कि आपने सिंक को ठंडा कर दिया. एंड वॉट इज द एक्सपेंस इन द होल प्रोसेस. एक्सपेंस कहां पर किया आपने, पैसे कहां खर्च किए, उसमें आप फ्यूल बर्न कर रहे थे. वर्क डन बाय कंप्रेसर, इलेक्ट्रिसिटी है. हाँ, ये जो कंप्रेसर वर्क कर रहा है, दैट इज योर एक्सपेंस. दिस कंप्रेसर विल
इट विल एब्सॉर्ब, इट विल यूज सम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो एक्सपेंस इज योर वर्क डन, ठीक है? एक्सपेंस मतलब इनपुट ना? यस एग्जैक्टली, एक्सपेंस को हम कहां लिखेंगे? इनपुट में. दिस इज योर इनपुट एंड दैट इज योर आउटपुट. तो बच्चों इसके लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला कुछ अलग बनेगा, उसको एफिशिएंसी नहीं बोलते. रेफ्रिजरेटर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं. इसका टर्म आप बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम क्या लिख सकते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट. समझ में आया? आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट क्या लेंगे इस केस में? आउटपुट क्या हुआ, क्या यूजफुल काम किया? Q2. इनपुट क्या हुआ, कितना वर्क डन इसने किया? W. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अभी भी द सिचुएशन इज सेम. Q1 माइनस Q2 इज W या Q2 प्लस W इज Q1. यहां से जितनी हीट आई प्लस जितना इसने वर्क किया उतनी टोटल हीट रूम को जाती है. तो हम लिख सकते हैं, मेरे पास जगह की बहुत ही कमी होती जा रही है, हम लिख सकते हैं Q2 अपॉन W को लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, जिसको मैं चेंज करके फाइनल फॉर्मूला क्या बना दूंगा? बीटा इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 माइनस T2. तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हैज अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्मूला फ्रॉम एफिशिएंसी. ओके, नोट डाउन करो. आउटपुट इनपुट वापस बताओगे क्या? तुम बताओ. चलो आउटपुट क्या होता है, व्हाट इज आउटपुट? तुम यहाँ आए, क्लास किए, इसका आउटपुट क्या है? सर जो काम करने के बाद जो तुम सीखे, राइट? हाँ सर. एक्सपेंस क्या है? दो एक्सपेंस है जो हम डालते हैं, जो तुम्हारा टाइम गया, जो तुम्हारा पैसा गया, राइट? हाँ सर. यहाँ पर एक्सपेंस टाइम की तो कोई मतलब नहीं है. जो तुम्हारा पैसा गया वो कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी में. हाँ सर. जितना कंप्रेसर वर्क कर रहा है दैट इज योर इनपुट. ओके. हाँ सर. यूजफुल जॉब क्या हुआ? रूम को गर्म करना या फ्रीजर को ठंडा करना? फ्रीजर को ठंडा. फ्रीजर में से जितनी हीट निकाली दैट इज योर यूजफुल जॉब. ओके. हाँ सर. सर तो वो Q2 को अब्सॉर्ब कर रहा है और बाहर Q1 रिलीज कर रहा है. हाँ. Q2 वर्क कर रहा है, फिर उस पर कंप्रेसर वर्क करता है, तब उसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है गैस का जो उसमें फ्लो हो रही होती है, फिर वो रूम के टेम्परेचर पर हीट जाके गिव आउट करता है. सर तो वर्क Q1 माइनस Q2 होगा कि Q2 माइनस Q1? अगर तुमको मैं बोलूं इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग तो क्या प्लस क्या इक्वल टू क्या होगा? नहीं सर, क्योंकि Q2 अब्सॉर्ब हो रहा है ना तो साइन पॉजिटिव होगा ना उसका. यहाँ पे लिख देता हूँ एकदम क्लियर. मुझे बताओ यहाँ से 10 आया, यहाँ से 20 वर्क डन आया तो यहाँ कितना जाएगा? इसने यहाँ से ली, यहाँ से इसने इस पे वर्क डन 20 किया तो यहाँ 30. बस उतना ध्यान रखना, ठीक है? ओके सर. हाँ, क्योंकि कंफ्यूज की बात नहीं है, भूल जाओगे इवेंचुअली. तो बहुत ही सिंपलीफाइड लग रहा है तुमको तो तुम्हें याद रहेगा, अदरवाइज ये दोनों आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम इक्वेशन हीट इंजन में थी और सेम यहाँ पर हम पीछे जाके देख सकते हैं. वी कैन गो बैक और पीछे मैंने लिख रखा होगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू W. लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है? हाँ सर. नेट हीट इज इक्वल्स टू नेट वर्क डन. तो वी आर राइटिंग द सेम थिंग अगेन, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि हीट इंजन में कुछ और है और इसमें कुछ और है. नहीं, सेम कंसेप्ट है. Q1 इज इक्वल्स टू Q2 plus W or W is equals to Q1 minus Q2. कुछ भी लिख लो, ठीक है? हम लिख वही रहे हैं, हम लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं W net is equals to Q net. ओके, ठीक है सर. सेमी साइक्लिक प्रोसेस होती है वो, हम कार्नोट साइकिल ही मानते हैं सब जगह, ठीक है? सेम हीट इंजन रिवर्स चला के रेफ्रिजरेटर की तरह यूज किया जा सकता है. अभी क्वेश्चन में देखेंगे.
सर इधर भी टी टू सिंक होगा और टी वन सोर्स क्या? ओके सर, टी टू इनसाइड टेम्परेचर बोल सकता हूँ और टी वन रूम टेम्परेचर, वो तो लिख ही रखा है। ठीक है, ओके बच्चों नोट डाउन कर लिया ये भी? यस सर। सर देखो जगह तो नहीं है, लेकिन यहीं पर एक और फॉर्मूला अगर फिट करना चाहूं, क्योंकि ना फिर आप इसी पेज को रिवाइज करोगे जब भी देखोगे, तो मैं इसको ऊपर नीचे बच्चों अगर T1 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? ये T2 by T1 upon 1 minus T2 by T1, and that I think will be 1 minus eta upon eta. ऊपर नीचे अगर T2 by T1 से डिवाइड कर दो, तो नेक्स्ट पेज पे प्रूव भी कर दूंगा, लेकिन यहां लिख लो। ठीक है, तो जो n है वो सिर्फ हीट इंजन की एफिशिएंसी के लिए ना? हाँ हाँ, सेम हीट इंजन कैन बी यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखा रहा हूँ, बस मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा दिया। ठीक है, नोट डाल के अभी लिखवा रहा हूँ, बस फॉर्मूला यहाँ लिख लो क्योंकि एक ही जगह पे सारे हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, नोट डाल के लिखो, सेम साइकिल कैन be used in a heat engine or in a refrigerator. ठीक है, तो अगर हीट इंजन की बात करेंगे तो एफिशिएंसी की बात करेंगे, और क्या फॉर्मूला लिखेंगे? 1 माइनस टी टू बाई टी वन। बट रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखेंगे, और क्या फॉर्मूला लिखेंगे? टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू। तो तुमको क्या समझ में आना चाहिए कि एफिशिएंसी कहां से लिखा है? वर्क डन अपॉन क्यू वन, पर रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस कहां से लिखा है? क्यू टू अपॉन वन, इसलिए दोनों का फॉर्मूला अलग अलग। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। ठीक है, ये क्या लिखा है? ये हमने लिखा है क्यू टू अपॉन डब्ल्यू, इसलिए दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है। पर एक ही इंजन अगर बोला जाए कि एक इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 60% है, उसको रेफ्रिजरेटर में यूज करना है। ठीक है, पहली बात तो ये कि मतलब यूज करना क्यों? ठीक है, पर अगर करना है तो व्हाट कैन वी से, वी कैन से दैट उस रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी कितनी होगी, उस रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस कितना आएगा। तो उसको आप डायरेक्टली T2 upon T1 minus T2 को क्या लिख सकते हो? ऊपर नीचे T1 से डिवाइड कर सकते हो, और फिर T2 by T1 को क्या लिख सकते हो आप? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 1 minus eta, और 1 minus T2 by T1 को तो eta डायरेक्टली लिख सकते हो। तो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला जो मैं बताना चाह रहा था।
ओके ये भी लिख लिया बच्चों। सर वेट सर, सर और एक पूछना था कि जो रेफ्रिजरेटर रहता है वो कंटिन्यूअसली हीट एब्जॉर्ब करते रहते हैं और सोर्स में डालते रहता है राइट। पर हमने देखा है कि चीज एकदम जम भी नहीं जाती है, एकदम आइस भी नहीं बन जाती है रेफ्रिजरेटर में, तो वैसा क्यों होता है अगर वो कंटिन्यूअसली हीट ले रहा है तो उससे? क्योंकि उसकी बॉडी के थ्रू हीट कंडक्ट होती होगी बाहर से अंदर। ओके सर, है ना? हाँ सर, तो एक लिमिट से ज्यादा ठंडा नहीं कर सकता अंदर। अगर उसको आप परफेक्ट इंसुलेटिंग मटेरियल का बना दो तो अंदर टेम्परेचर कूल होता चला जाएगा। हालांकि परफेक्ट इंसुलेटिंग कुछ नहीं होता इस दुनिया में, लेकिन जितना अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल का बना दोगे उतना टेम्परेचर अंदर कूल होता चला जाएगा। ओके ठीक है सर, ये अभी अभी सोचा मैंने, पहले किसी ने पूछा नहीं था। सो बीच वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो, T2 वो डिवाइड बाय T1 जो आपने किया क्या? सो रेड वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो, ऊपर नीचे T1 से डिवाइड कर दिया A अपॉन B माइनस A लिखा हुआ था, तो मैं इसको ये तो लिख ही सकता हूँ ना, 1 अपॉन बी बाई ए माइनस 1 चलेगा ना, या A बाई बी अपॉन 1 माइनस A बाई बी। ओके ऊपर नीचे आप सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, इफ यू हैव समथिंग लाइक 6/18 तो ऊपर नीचे आप 3 से डिवाइड कर सकते हो ना, समझे? ओके यस सर, कितना आएगा 2/ तो सर उसे 1 - n/n कैसे है? हाँ एक तो ईटा बोलो इसको, nn मत बोलो, ठीक है? तब से मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और T2/T1 की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो, T2/T1 की वैल्यू 1 - eta आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? 1 - yes, sir, yes. की क्या वैल्यू है? ईटा, वो तो उसको तो एज इट इज ही लिख दिया। ओके यस सर, समझे? ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं। लेट्स से अ रेफ्रिजरेटर has inside temperature of inside temperature kitna hoga 0°C and it is in a room at 50°C. okay, कैलकुलेट, ये मैं बेकार टेम्परेचर दे रहा हूँ ना, दोनों में कैलकुलेशन कर दी जाएगी। एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छी वैल्यूज लिखता हूँ। रूम टेम्परेचर लिखता हूँ 27°C और इनसाइड टेम्परेचर लिखता हूँ -23°C। ओके कैलकुलेट इट्स परफॉर्मेंस, एक्चुअल में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ही बोलना चाहिए, पर देर आर क्वेश्चन जहां मैंने परफॉर्मेंस डायरेक्टली लिखा हुआ देखा है। परफॉर्मेंस सर बीटा बोलते तो हम लोग परसेंटेज में रिपोर्ट नहीं करेंगे ना? परसेंटेज में तो जब
अरे तुमको ऑप्शन देखना है ना, ऑप्शन क्या है, पर बीटा अच्छा, को परसेंटेज में नहीं करना चाहिए, ठीक है एफिशिएंसी को परसेंटेज में लिखते जाकर बीटा की वैल्यू आई थिंक 1 से बड़ी भी आ जाएगी, तो फाइव आ रहा है इसमें, हां परसेंटेज में लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है बीटा इज w अपॉन q2, w अपॉन q2 इज सॉरी q2 अपॉन w, पीछे भी सही लिखा है ना मैंने, q2 अपॉन w which is heat extracted on work done by compressor, इसको जितनी बार लिखो उतना अच्छा दिमाग में बैठ जाए, ठीक है heat extracted, और इसकी वैल्यू है q2 upon q1 minus q2, जिसकी वैल्यू है t2 upon t1 minus t2, ठीक है तो this is beta, तो t2 कितना है, ये कितना आएगा केल्विन में, 250 आ रहा है, 250 केल्विन, और ये कितना आएगा, 300, ठीक है तो 250 अपॉन 300 माइनस 250, आ गया सबको समझ में, ठीक है तो ये भी सिंपल एनफ है, बस फॉर्मूला याद, बीटा का भी परसेंटेज में नहीं रहता ना अपने, नहीं बीटा को परसेंटेज में नहीं लिखेंगे, ये हमें ये बता रहा है हमने कितना यूजफुल वर्क किया पर यूनिट वर्क डन, ठीक है तो इसका बीटा का मतलब ये है, बीटा की वैल्यू जो 5 है ना, तो इसका मतलब है 5 जूल ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनसाइड्स पर जूल ऑफ हेल्प फ्रॉम कंप्रेसर, समझ में आया, ऑफ कोर्स हेल्प की जगह वर्क लिखना चाहिए पर हेल्प इज आल्सो वर्क राइट, क्या ये लास्ट वाला स्टेटमेंट सबको समझ में आया, यस यस सर, दिस गिव्स यू द मीनिंग ऑफ द होल थिंग, ठीक है कि परफॉर्मेंस एक्चुअली क्या बताता है कि एक्सटर्नल हेल्प की कितनी जरूरत पड़ रही है, हम कितना वर्क कर पा रहे हैं पर यूनिट एक्सटर्नल हेल्प, ओके एंड दिस एक्चुअली क्रिएट सम वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग मतलब इंग्लिश उनकी बड़ी बेकार से होती है, सर कुड यू गो बैक, ओह लिख लो सर, कैन वी एक्सप्लेन दिस लास्ट लाइन अगेन, लिखी था लास्ट लाइन, 5 जूल ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनसाइड पर जूल ऑफ हेल्प फ्रॉम द कंप्रेसर, तो हम कंप्रेसर जो हमको 1 जूल वर्क कर रहा है हमारे लिए, तो हम उसके बदले 5 जूल हीट एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, मतलब वही Q2 अपॉन W को ही मैंने इंग्लिश में लिख दिया, 5 जूल ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनसाइड्स पर जूल ऑफ हेल्प फ्रॉम द कंप्रेसर, हेल्प को हम वर्क लिख सकते, आए समझ में, और सर वेट कुड यू गो बैक, सर इन पर जूल ऑफ हेल्प फ्रॉम कंप्रेशन लास्ट लाइन, लो भाई हटा दिया, ठीक है वर्क फ्रॉम कंप्रेसर, ओके हीट एक्सट्रैक्टेड पर जूल ऑफ वर्क, हीट एक्सट्रैक्टेड पर जूल ऑफ वर्क, ओके डन, एक और
क्वेश्चन करो. रेफ्रिजरेटर works between 200 Kelvin and 300 Kelvin temperatures. Calculate amount of heat given to the room per unit heat extracted from the insides. सर एक्चुअली आप म्यूट पे, आपकी आवाज आने लगी. ओह सॉरी, मैं बोल रहा था कि इस क्वेश्चन में बीटा नहीं पूछा है. ठीक है, एकदम से फॉर्मूले पे जंप मत करना. बीटा है हमारा कितना हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं हम पर यूनिट वर्क डन. आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट दैट विल नॉट एग्जैक्टली हेल्प यू. पूछा गया है हीट गिवन टू द रूम पर यूनिट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इनसाइड. तो ये कितनी हीट दे रहा है रूम को पर यूनिट हीट एक्सट्रैक्टेड. डब्ल्यू के बारे में कुछ नहीं, सीधे पूछा है क्यू वन बाई क्यू टू. और बेस्ट पार्ट क्या है, Q1 by Q2 को आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली T1 by T2. So your answer will be 3 by 2. Your answer is 1.5 joule of heat is given to room for every 1 joule of heat extracted
फ्रॉम इनसाइड्स। तो बेसिकली तुमको ये समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब है यहां से अगर 1 जूल हीट आ रही है तो वर्क डन 0.5 जूल होगा और हीट गिवन होगी 1.5 जूल। अगर हम सीधे थीटा कैलकुलेट करते फॉर्मूले के पीछे जाते तो भी क्वेश्चन हो जाता सॉल्व, लेकिन बिल्कुल होता। बीटा अगर हम कैलकुलेट करते तो हम कैलकुलेट करते Q2 अपॉन W और फॉर्मूला क्या लेते हैं Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 जिसको हम लिखते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो हम क्या क्या रहे हैं, Q की जगह T लिख रहे हैं ना, वो तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पर चलो अगर हम ऐसा करते तो T2 होता 200 और T1 माइनस T2 होता 100, तो कितना आया 2। तो उस केस में क्या पता चला कि 2 जूल हीट इज एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट फॉर 1 जूल ऑफ वर्क डन। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि 2 हीट एक्सट्रैक्ट होती है फॉर 1 जूल ऑफ वर्क डन। तो कितनी जाती है यहां पर, 3 जूल जाती है। तो उससे भी अगर आप Q1 by Q2 निकालोगे तो क्या आएगा, 3/2 ही आएगा। Is that clear to everyone? सर फॉर्मूला में Q2 को 1 भी डाल सकते हैं ना, Q2 को कौन से फॉर्मूले में सर, मैंने क्या किया कि आपने Q1 is equal to Q2 plus 1 को रखा था, तो मैंने वर्क और Q2 का रिलेशन निकाल दिया, फिर मुझे 3Q2 by 2 आ रहा था, मैंने Q2 को 1 डाल दिया क्योंकि पर यूनिट है ना। हां सर, सर पर यूनिट लिखा है ना। हां सर, तुमको ये समझ में आया कि नहीं आया कि यहाँ से यहाँ फॉर्मूला तभी गया जब मैंने Q2 को T2, Q1 को T1 वो भी हमने भी किया। हाँ सर, हमने आती है ना। तो फिर अगर मुझे ये क्या है तो मैं डायरेक्टली ये क्यों लिखूं, दिस इज फास्ट। Q1 by Q2 3/2 कैसे है सर? Q1 by Q2 T1 by T2 के बराबर है और T1 300 है और T2 200 है। कितना आया, 3/2 रो है ना सर। हाँ बोलो। पर हमने जो मेथड यूज किया वो राइट होगा क्या? क्या मेथड यूज किया तुमने सर? हमने बीटा निकाला तो वो 2 जूल आया। टू आया, फिर बीटा की वैल्यू मैंने इक्वेट कर दी टू Q2 बाय वर्क, तो मुझे Q2 और वर्क में रिलेशन मिल गया, वो तो 2 आ ही गया। ठीक है, Q2 बाय टू। तो और हम लोग Q1 को Q2 प्लस वर्क लिख सकते हैं, Q1 को प्लस वर्क लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। और मुझे Q2 प्लस वर्क, और मुझे वर्क मिल गया Q2 by 2। हमारा मेथड एब्सोल्युटली करेक्ट है, तुम नाक को बहुत घुमा के पकड़ रहे हो। ये तो सर तभी आप आगे मुझे समझा। हाँ फिर ठीक है सर, पर ये मेथड राइट होगा क्या? क्योंकि नीट में टाइम इज मनी फॉर यू, राइट? हाँ सर। तो तुम इस क्वेश्चन में बीटा कैलकुलेट करोगे ही क्यों जब तुम्हें रेशियो इसका निकालना है तो। हाँ सर ठीक है, आप ध्यान से सुनो, अभी नहीं समझ में आया तुमको पर अब आ जाएगा। ठीक है सर, तो जो हमने अर्लियर रिजल्ट किए थे वो इस पे भी एप्लीकेबल है ना, रेफ्रिजरेटर पे सब जगह एप्लीकेबल है। हम Q1 Q2 का रेशियो T1 T2 का रेशियो लिख सकते हैं। ओके, उसी चीज को तो यूज करके हमने सारे फॉर्मूले बनाए। हाँ सर, हम Q1 Q2 का रेशियो T1 और T2 के रेशियो के बराबर पुट कर रहे हैं, तब से हम यही यूज करते आ रहे हैं। हाँ सर। सर Q1 अपॉन Q2 T1 अपॉन T2 कैसे है सर? याद कर लो बेटा इसको, ठीक है? बहुत पहले कहां गए हीट इंजन में, जब एफिशिएंसी निकाल रहे थे तब बताया था सर, आपने कारनोट के वक्त बताया था। T2 और Q1 का रेशियो T2 और T1 का रेशियो आता है। ओके, तब से हम वही यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, कारनोट साइकिल के लिए इससे पहले सर वो हीट इंजन का मुझे रेफ्रिजरेटर में यूज। हां, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर सेम चीज है, उल्टी डायरेक्शन में चलता है तो रेफ्रिजरेटर को ले जाता है। ओके ठीक है, हीट इंजन जब होता है तो हीट गर्म जगह से लेता है वर्क करता है, और रेफ्रिजरेटर की वर्क करता है तो हीट ठंडी जगह से लेता है उस पर वर्क किया जाता है और फिर वो हीट गर्म जगह को दिया जाता है।
ओके सेम प्रोसेस है, उल्टी चलाओ तो वो उसकी तरह वर्क कर दिया, क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर दिया। और मैं ये बता रहा था कि कार्नोट साइकिल के लिए मैंने बताया है कि Q1 और Q2 का रेशियो आप क्या लिख सकते हो, T1 और Q2 by Q1 is T2 by T1। याद आया? हाँ सर। ठीक है, मैंने बोला था इसको डिवाइड करके तुम प्रूव कर सकते हो कि ये रेशियो सेम होते हैं, इन दोनों के लिए रेशियो सेम आ जाते हैं और Q1 by Q2 क्या आ जाता है, T1 by T2। इसको ध्यान रखो बच्चों। बीटा की वैल्यू क्या थी सर ये रीसेंट वाले क्वेश्चन में? बीटा की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है बीटा का विच इज Q2 अपॉन W विच इज Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, जिसके बाद तुमने इसको क्या लिख दिया सडनली T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो अगर तुमको ये निकालना है तो तुम ये सब में क्यों फंसोगे, तुम डायरेक्टली Q1 by Q2 T1 by T2 से निकाल लोगे ना। Why would you do this? Q2 upon Q1 minus Q2, then you will put the values over here 200. मैं बस पूछ रही थी सर बेटा। नहीं मैं बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम पूछ रही हो, प्रॉब्लम ऐसी 10 लोगों को होगी। ठीक है, कम से कम 10 लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये क्या कर रहे हो। 2:1, अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम Q2 by Q1 निकाल सकते हो, पर तुम ऐसा करोगे क्यों, क्योंकि तुम तो ये डायरेक्टली निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, एनी पॉइंट जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ डाउट तो मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 20 लोगों को और डाउट होगा। ओके, कम से कम 20 लोगों को और डाउट होगा, पर सब लोग नहीं पूछ पाते और कुछ लोग पूछ पाते। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एक सेकंड, कहाँ थे हम? तो यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपको परेशान कर रही है, तो आपको ये समझना है, इफ समबडी आस्क फॉर ए रेफ्रिजरेटर, कि कैलकुलेट ए पार्ट हीट एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट वर्क डन, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है बीटा। कैसे पता? क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है Q2 अपॉन W, यानी Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, यानी T2 अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू बीटा। ओके, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कैलकुलेट हीट गिवन टू रूम पर यूनिट हीट एक्सट्रैक्टेड, तो क्या पूछ रहा है आपसे, Q1 बाई Q2 कितना हीट जा रहा है पर यूनिट एक्सट्रैक्टेड। तो आप बीटा के टर्म्स में निकाल सकते हो, it would be much easier if you just go with this. Of course, मैं कुछ गणित लगा के इसको बीटा के टर्म में लिख सकता हूँ, पता है लिखने पे आ जाए तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बीटा से ये बन जाएगा, बीटा इज दिस, ऊपर नीचे हम T2 से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा 1 upon T1 by T2 minus 1 is equals to beta, हो जाएगा 1 by beta, तो ये हो जाएगा 1 plus 1 by beta, पर ऐसा नहीं करने का चाहिए आपको। Is that clear? That is a bad idea. Good idea would be go for beta. अगर क्वेश्चन में बीटा गिवन है, T2 T1 का रेशियो निकालो and then use it. Okay? Don't do this. It will just lead to more confusion. Okay? और तीसरा पूछ सकते हैं कैलकुलेट अब एक्चुअली इन तीनों का किसी का भी रेशियो पूछा जा सकता है। लेट्स से रेशियो है W:Q1 पूछना है, तो क्या पूछेंगे, कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड या वर्क
टू बी डन पर यूनिट हीट गिवन टू रू. तो अब ऐसे कुछ भी रैंडम कोई पूछ लेगा रेशियो, तो इसलिए मैं सबके फॉर्मूले नहीं लिखाना चाह रहा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको करना क्या है. W by Q1 पूछ लिया तो क्या करोगे, Q1 minus Q2 by Q1 लिखोगे, इसको इसको क्या लिख लोगे, T1 minus T2 by T1. अब T1 T2 की वैल्यू का रेशियो आपको कहीं ना कहीं से बीटा से या किसी चीज से निकालना पड़ेगा. ओके कर लोगे मैनेज? यस ठीक है. जस्ट टू इंश्योर, मैं फिर भी एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, पर इसको लिख लो क्योंकि तीन क्वांटिटीज है तो कई सारे रेशियो बन सकते हैं, घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है कोई, तो इसलिए रट नहीं सकते यहाँ पर, यहाँ पर समझना ही पड़ेगा. सर वो थर्ड वाला है सर, वो हीट टेंशन जैसा हो गया ना. हाँ वो एफिशिएंसी आ गया ना. हाँ सर. सर एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर ऐसे कुछ होता है क्या? क्या बेटा? एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर. हाँ हाँ अगर कोई पूछ ले तो वही निकाल देंगे, हीट इंजन वाली एफिशिएंसी. ओके ठीक है सर. सर तो एफिशिएंसी पूछेंगे तो बीटा नहीं निकालेंगे ना? नहीं उसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ही बोलते हैं. ठीक है सर. ठीक है मतलब ऐसी हॉरिबल मिस्टेक किसी को करनी नहीं चाहिए एग्जामिनर को, क्योंकि एफिशिएंसी का एकदम अलग मीनिंग है, तो इसलिए इसीलिए इसको अलग से नाम दिया गया. सर पर एफिशिएंसी आपने बोला तो फिर वो नॉर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला करेगा, वो तो फिर एफिशिएंसी ही हो जाएगी, हीट इंजन की एफिशिएंसी पूछ रहा है वो. ठीक है सर. सर तो फिर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में क्या फर्क है लॉजिकली? मतलब सर आप म्यूट पे हो. हाँ वो कभी कभी ना ये दबाने में बैक दबाने में म्यूट दब जाता है. तो मैं ये कह रहा था कि टेक्निकली एफिशिएंसी आपको ये बताती है कि अगर हीट इंजन चल रहा है तो वो कितना परसेंट यूजफुल है. ठीक है एफिशिएंसी जनरल टर्म है जो एक लेमैन भी समझ सकता है, समझ रहे हो? हाँ सर. हाँ एक लेमैन को आपने बोला ये हीट इंजन 50% एफिशिएंट तो वो समझ रहा है कि इसमें 100 रुपए डालेंगे तो 50 रुपए का काम करेगा. ठीक है. हाँ सर. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड, जो रेफ्रिजरेटर वालों ने अपने लिए डिफाइन किया होगा, जो रेफ्रिजरेटर डिजाइन करते हैं कि वी वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली कि हम 1 जूल वर्क करते हैं तो ये कितना हीट क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट कर पाता है रूम से. एंड वहां पर एक डिफरेंस ये है कि 1 जूल वर्क करके हमने ये जो एग्जांपल देखा 5 जूल हीट एक्सट्रैक्ट हो रही थी, तो उसको परसेंटेज में अगर बोले कि 5% 500% एफिशिएंट है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, समझ रहे हो? हाँ सर. एक इनपुट डाल रहे हो तो 5 आउटपुट मिल रहा है तुमको, तो उसको एफिशिएंसी के टर्म्स में फिर परसेंटेज एफिशिएंसी के टर्म में बोलना वुड बी वेरी ऑड, इसलिए उसके लिए अलग टर्म एक डिफाइन कर रहा है. ठीक है. ठीक है सर. और ज्यादा से ज्यादा कोई इतना पूछ सकता है, क्वेश्चन लिखो, अ हीट इंजन दैट वर्क्स बिटवीन 400 केल्विन एंड 800 केल्विन इज टू be used as a refrigerator. Okay. A part calculate its performance
as a refrigerator. और B part जो कि मुझे थोड़ा सा tough लगता है अगर पूछ लिया जाए तो, if it is in a room at 300 Kelvin, नहीं room का temperature दिया होगा तो Celsius में दिया होगा, at 27 degree Celsius, calculate temperature of insides. Maintained by it. सर वो 800 है कि 500? ऊपर 800 है, ऊपर 800, 400 और 800 लिखा है, ठीक है, 8, ओके. हाँ भाई, आंसर आने लग गए लोगों के. 1 जूल 150K, 2 और 200 के अलग अलग आंसर है, 1.5 जूल ये पिछले वाले का आंसर है. अच्छा, बीटा 1 आ रहा है. अच्छा, तो 1 जूल हीट डालने पे 1 ही जूल का वर्क कर रहे हैं. सो हाँ बोलो, यहाँ पे ऐसा कुछ रहता है क्या रेफ्रिजरेटर में कि एक बार उसकी जो परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट है वो फिक्स हो गई तो कोई भी टेम्परेचर भी चेंज करेंगे तो भी नहीं चेंज होगा? बहुत जल्दी जल्दी बोल गई तुम सब कुछ, किसी को समझ में आया तो बताओ मुझे. सर टेम्परेचर चेंज करने से बीटा चेंज होता है? नहीं, द इंजन, हाँ वो नहीं चेंज होगा, वही तो यूज करना है. पहले केस में एफिशिएंसी निकाल लो. एफिशिएंसी क्या होता है? 1 माइनस सर बीटा निकालेंगे ना. पहले मैं तो एफिशिएंसी निकालता हीट इंजन की, 1 माइनस 400 बाई 800 कितनी आ गई, हाफ. और फिर जब इसको रेफ्रिजरेटर में यूज करेंगे तो बीटा का फॉर्मूला मैं वो लिख लेता, 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा. लेकिन यहाँ पे दो T2 और T1 दोनों पता तो एकदम. हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, मेरे दिमाग में आया कि ऐसे कर सकते हैं, है ना. हीट इंजन की एफिशिएंसी पता है तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में यूज करोगे तब उसकी का परफॉर्मेंस निकाल सकते हो. लेकिन ये थोड़ा लेंथी होगा ना. अच्छा सीधा T2 अपॉन T1, वो मेरे सीधे वही दिमाग में आया, पर T2 बाय T1 से भी हो जाता. T2 बाय T1 से कैसे करते हम सर? T2 अपॉन T1 माइनस T2 ऊपर फार्मूला था. हमको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा, एंड बीटा इज T2 अपॉन तो ये हो जाता. बड़ा कंफ्यूजन होता है T2 किसको लेना, T1 किसको. सर आपका फॉर्मूला उल्टा हो गया ना, T1 माइनस T2. T1 माइनस T2 लिखना है. वन, ठीक है. और अब क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आपने क्या चेंज कर दिया, ये सब चेंज कर दिया है ना. इन अ रूम, रूम टेम्परेचर 300 लेना और इनसाइड टेम्परेचर पूछा हुआ है.
वही कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वन यूज करोगे, कितना आएगा इनसाइड टेम्परेचर? 150. सर तो टेम्परेचर कुछ भी होने दो, बीटा चेंज नहीं होने वाला, मतलब सेम साइकिल में परफॉर्मेंस उतनी ही रहेगी. ठीक है सर. ओके, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर भी डन हो गए हमारे. ठीक है, आई थिंक थ्योरी खत्म हो गई इस चैप्टर की. सर आप बोले ना केटीजी के दो फॉर्मूले. क्या केटीजी के फॉर्मूले? केटीजी के फॉर्मूले मैं देखता हूँ. मैं सोच रहा था एक मैं लिस्ट बना लूं चैप्टर के. मुझे डाउट है सर कि क्वेश्चन में मॉड्यूल का वो कुछ अलग कॉन्सेप्ट का आई थिंक. क्वेश्चन बोलो थोड़ा सा. देखो मैं व्हाट्सएप करूं? करो. बट अभी आप डाउट दे रहे हो. नहीं नहीं डाउट नहीं दे रहा, मैं याद कर रहा हूं और क्या पढ़ा सकता हूं. एक ये एक सेकंड बेटा. सर 15th और 17th. अभी मैं देखता हूँ. मेरे को एक चीज याद आई कि वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम expansion of gas for different processes. ठीक है, तो different process के लिए ये क्या बोल गया, coefficient of volume expansion कैसे निकाला जाए. तो volume नया concept है. हाँ हाँ, वॉल्यूम एक्सपेंशन हमने पढ़ा था थर्मल एक्सटेंशन में V इक्वल्स टू V नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी, राइट? ठीक है, या मैं इतना लिख सकता हूं सिंपली कि डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम इज V नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी. ठीक है, अगर बहुत छोटे चेंज की बात करें तो मैं लिख सकता हूं डी वी इज इक्वल्स टू वी. अरे अगर सिर्फ चेंज निकालना है तो वन प्लस करने की जरूरत नहीं है. डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी नॉट गामा डेल्टा टी. ये याद है सबको? स्मॉल एक्सपेंशन में तो स्मॉल चेंज की बात करें तो डी वी इज इक्वल्स टू वी गामा डी टी हो जाएगा डेल्टा टी की जगह. तो अगर कोई पूछे कि गामा की वैल्यू क्या है तो आप लिख सकते हो गामा इज इक्वल्स टू वन बाई वी इंटू डी वी बाई डी टी. समझ में आया?
this is the general formula for coefficient of volume expansion of gas. अब solids के लिए और liquids के लिए एक मिनट, solids और liquids के लिए ये चीज constant रहती है, ठीक है? For solids and liquids gamma is constant, लेकिन for gases this thing will keep on changing depending on हम कौन सी प्रोसेस में है, कितना वॉल्यूम है, क्या चीज है given, okay? तो अगर मैं पहली प्रोसेस देखूं, फर्स्ट प्रोसेस कौन सी थी, फर्स्ट प्रोसेस जिसमें आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो था वो क्या था, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गामा ऑफ गैस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट? ठीक है, दूसरी प्रोसेस कौन सी है, बैरिक, आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था। तो आप हमेशा कौन सी इक्वेशन लिखो इसमें, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, फिर मैंने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी, पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल्स टू, हाँ बेटा, हाँ सर बताया था ना। और अब बेटा इनमें से कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, पीडीपी वाला, रट लो या सीख लो जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है, डिफरेंशिएट करना सीख लो या रट लो। तो पीडीवी इक्वल्स टू दिस, अब हमको क्या चाहिए, डीवी बाई डीटी की वैल्यू कितनी आ गई, एन आर बाई पी, और मुझे चाहिए थी किसकी वैल्यू, वन अपॉन वी डीवी बाई डीटी। तो गामा लिखूं मैं, गामा लिखता हूं, गामा ऑफ गैस हो जाएगा वन बाई वी इंटू डीवी बाई डीटी, कितना आया, एन आर बाई पी। तो एन आर अपॉन पीवी को बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसी से सोचो, एन आर अपॉन पीवी किसके बराबर हो जाएगा, बहुत ही समझ में आया तुमको, तो ये भी तुम या तो सबके याद करो या फिर कैलकुलेट करना सीख लो, ठीक है? अच्छा, वैसे ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। आइसोथर्मल की बात करें तो आइसोथर्मल के लिए क्या करते फिर अपन, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गामा ऑफ गैस कितना लिखोगे, जीरो, बस समथिंग अपॉन जीरो कहां जाएगा, इनफिनिटी, ठीक है? तो इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरे हिसाब से ये तीन लिख लो और एडियाबेटिक का खुद से ट्राई करो तुम लोग अगले पेज पर, ठीक है? एडियाबेटिक का खुद से ट्राई करो ये लिख के। बोलो सर, यहाँ पर वी और वी नॉट में क्या डिफरेंस है, V नॉट इनिशियल है वॉल्यूम, लेकिन अगर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, dV छोटे चेंज की बात करें तो V उसी पॉइंट का वॉल्यूम हो जाएगा, समझे? ओके सर। वैसे तो इनिशियल का होता है, लेकिन अगर आप इंस्टेंट की बात कर रहे हो, हर इंस्टेंट में चेंज हो रहा है, तो फिर आपको V उसी पॉइंट का लेना पड़ेगा, ओके? यस सर।
ये लिख लिया सबने? ओके और हम लोग गामा की बात कर रहे हैं. फॉर्मूला है 1/V (dV/dt) और एडियाबेटिक के लिए और बात करनी है ना. बड़ा प्रॉब्लम है एडियाबेटिक में. एक दूसरा गामा आता है वो कौन सा है? पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो वो कंफ्यूज करेगा हमको. ठीक है, पर कोई बात नहीं, समझ लेंगे. ठीक है, ये है कोएफिशिएंट वाला और ये वाला गामा है हमारा एडियाबेटिक कांस्टेंट. ओके, अच्छा पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें प्रेशर और वॉल्यूम में तो चाहिए नहीं रिलेशन, हमें चाहिए किसमें? वॉल्यूम और टेम्परेचर में. तो प्रेशर को हटा दे. प्रेशर को कैसे हटाते हैं? nRT/V. तो T/V कोई कांस्टेंट तो उधर जाके कांस्टेंट ही हो जाएगा. गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, चलो लिख देता हूँ. nRT/V पुट किया है प्रेशर को और ये nR उधर जाके कांस्टेंट में हो जाएगा. तो हो जाएगा T/V की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, अब चलो थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो मैं लिख सकता हूँ dT/dt टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट करता हूँ इंटू वी की पावर गामा -1. और प्लस कौन बताएगा मुझे ये वाले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या लिखना चाहिए? गामा माइनस -1 V^2 dV/dt इनटू dV/dt इक्वल टू जीरो. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो. फिर ये dT/dt भी काट देंगे, उधर ले जाएंगे, वो भी जीरो हो जाएगा. तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट समथिंग कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग. We get V की पावर गामा -1 into dt is equals to minus t into गामा -1 into V की पावर गामा -2 into dV. अच्छा अब सुनो, जब भी इस तरह की सिचुएशन बनेगी, ये V की पावर गामा -1 है और ये V की पावर गामा -2 है, इसको हमेशा काटोगे ना तो V बचेगा. ये अच्छी चीज है. सोचो एक सेकेंड के लिए. यहाँ पर V की पावर गामा अगर 10 है तो यहाँ पर V की पावर 9 होगी और यहाँ पर V की पावर 8 होगी. समझे? गामा अगर 5 है तो यहाँ पर V की पावर 4 होगी और यहाँ पर V की पावर 3 होगी. तो तुम डिवाइड करके खुद से भी कर सकते हो, पर वो आएगा हमेशा कितना? V ही आएगा. तो नाउ इट बिकम अ बिट सिंप्लीफाइड. V इंटू dT इज इक्वल्स टू माइनस टी गामा -1 इंटू dV. तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आप भूलने लग जाते कि हम कर क्या रहे. हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे. तो वी हैव टू कैलकुलेट 1/V इनटू dV/dt. तो बाकी सब चीजें इधर लेके आओ और इसको इकट्ठा करो. 1/V इनटू dV/dt एंड आई थिंक योर वैल्यू विल बी -1/(γ-1) इनटू t. इज दैट क्लियर? ठीक है, एडियाबेटिक के लिए आई होप वो ना पूछे, या आई होप वो पूछ ले और तुम लोगों को आता हो. ठीक है, कोएफिशिएंट कितना है? ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है और ये एडियाबेटिक कांस्टेंट है. तो आई नो कि थोड़ा सा नेमिंग तो सेम है. दिस इज एडियाबेटिक कांस्टेंट. अभी तक ये वाला क्वेश्चन मैंने नीट में नहीं देखा है. ठीक है, पर तुम्हारे मॉड्यूल में दिए हुए थे तो मैंने करा दिया. पिछली बार किसने शायद डाउट भी पूछा था. ठीक है, तो एडियाबेटिक वाला नहीं देखा है, वो एडियाबेटिक का चांस कम है, पर ये तो पूछे जा सकते हैं. ये तीन तो पूछे जा सकते हैं, तो वो कर लेना. सर वो नीचे वाले ग्रीन के डिफरेंशिएशन में
टी गामा माइनस वन वी रेस टू गामा माइनस टू इंटू डी वी बाई डी टी कैसे है सर? तो मैं कई बार समझाने की कोशिश कर चुका हूं कि अगर तुमको z is equals to x cube दिया है और पूछा जाए dz by dx तो तुम इसको लिख दोगे 3x square और खुश हो जाओगे, लेकिन अगर तुमको पूछा dz by dt तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 3x square into dx by dt। क्या ये समझ में आता है? Yes, sir. ऐसा क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि अब हमने dz by dt में ऊपर नीचे dx का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, इसकी वैल्यू ये है और इसको एज इट इज छोड़ना पड़ा, समझे? यस सर। इसको याद रखो बेटा, आप भूल गए थे तो इसको फिर से नोट डाउन करना साइड। सर बिफोर वो ग्रीन वाले पार्ट से कैसे वो एक्सप्लेन कर सकते हो इसके साथ? मतलब ग्रीन वाला पार्ट नीचे वाला सर, डिफरेंशिएशन ये लिख लिया तुमने, इसको लिख लिया, इसको लिख लो तो इससे स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड वाला बता दूंगा, ठीक है? इसको लिख लो पहले नोट डाल के साथ में कि ये और ये, तुम्हें ये फर्क समझ में आने लगता है कि ये दोनों आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? तो मैं एक और एग्जांपल लूंगा, उससे होपफुली और क्लियर हो जाएगा कि यहां पर क्या हुआ है। ये लिख लिया, ओके अब सुनना, इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट केस लेता हूं, कुछ चीजें ना करके सीखनी ही पड़ेंगी, वो हमेशा आपको परेशान करेगी। अब अगर मैं लिख देता इसमें, इससे मैचिंग कर रहा हूं y इंटू एक्स स्क्वायर और अब बोलता कैलकुलेट करो dz by dt, तो क्या करते है? तुम ही बोलो, ट्राई करो, सही होगा गलत होगा क्या फर्क पड़ता है, गिव इट अ ट्राई। बाकी लोग ध्यान से देखो, ठीक है? मनी मन कैलकुलेट करो, dz by dt अगर मैं पूछता तो क्या करते है? ये दो फंक्शन हो गए, y अलग है और x स्क्वायर अलग है, y का डिफरेंशिएशन dy by dt into x square, ये पहला टर्म यही बोले, प्लस दूसरा टर्म, पहले को एज इट इज रखो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो 2x into dx by dt, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, दूसरे को एज इट इज रखा, फिर फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा और दूसरे को डिफरेंशिएट किया। अगर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा तो नीचे यही काम कर रखा है मैंने, पर विद वैल्यूज। अब इसको मैच करो जो पीछे अभी बताया था उससे, मैच हुआ, कुछ कुछ समझ में आया? इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा और ये कंसेप्ट भी लगा कि फंक्शन z का है और डिफरेंशिएशन किसी और वेरिएबल में कर रहे हैं। सर हाँ बोलो, फिजिक्स के केटीजी में आप रियल गैसेस सिखाते हो क्या? हाँ हाँ, रियल गैसेस रह गए अभी, मतलब सिखाते नहीं, उसमें क्वेश्चंस नहीं आते, बस फॉर्मूला बता के ए और बी का क्या मीनिंग होता है उतना पूछा जाता है। हाँ सर, क्योंकि मॉड्यूल में दिया है वंडरवॉल इक्वेशन और एंड्रू कूलर को। तो सर नीचे आपने टी को डिफरेंशिएट किया ना पहले, टेम्परेचर को पहले, और फिर बी को ऐसे छोड़ दिया क्या बेटा? तो ग्रीन वाले में सर पहले आपने टेम्परेचर को डिफरेंशिएट किया, बी को छोड़ा। हाँ ग्रीन वाले में पहले मैंने पहले टर्म में टेम्परेचर को डिफरेंशिएट किया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, इसको यस सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया और दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ा, फिर सेकंड पार्ट में मैंने इसको फर्स्ट को एज इट इज छोड़ा और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया। सर उसके आगे डी बाय डीटी कैसे आया सर, वो समझो। ये कैसे आया ना? हाँ ये इसको समझो ना, ये डीएक्स बाय डीटी क्यों आ रहा है?
इसको समझो, ये dx by dt क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? इसकी वजह ये है कि z is a function of x, but I am asking you differentiation of z with respect to time. I am asking you z की dependency on time. So you will tell me, sir, I can calculate dependency of z with respect to x. You calculate dependency of x with respect to time. तो मैं इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट कर सकती हूँ. मुझे नहीं पता x की टाइम के साथ क्या डिपेंडेंसी है, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूँ. समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया पक्का? ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज हाउ फास्ट z विल चेंज विद टाइम, दिस इज हाउ फास्ट z विल चेंज विद x, एंड दिस इज हाउ फास्ट x विल चेंज विद टाइम. z की डिपेंडेंसी ऑन टाइम निकालनी है तो z की डिपेंडेंसी ऑन x निकाली, इनटू किया x की डिपेंडेंसी ऑन टाइम से. समझ में आया सर? पर वही डाउट है सर, आपने नीचे ऑलरेडी v को डिफरेंशिएट किया, उसके आगे आपने d by dt ऐड किया, क्योंकि v को v की पावर v क्यूब है, उसका डिफरेंशिएशन v के टर्म्स में आया 3v स्क्वायर, पर हमें तो डिफरेंशिएट टाइम के टर्म में करना है ना पूरे सिस्टम को. Yes, हाँ, उसकी टाइम पर क्या डिपेंडेंसी है वो तो लिखनी पड़ेगी ना. सर और एक पूछना था, थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन और जीरोथ लॉ, ये भी तीन मॉड्यूल में थे क्या? सर थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ के आगे गए नहीं? पर एंट्रोपी तो केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो तुम, केमिकल रिएक्शंस के लिए. हाँ सर, वो पूरा पार्ट केमिस्ट्री में ही आएगा. और सर जीरोथ लॉ? जीरोथ लॉ बेटा होता है, ए अगर बी के बराबर है और बी अगर सी के बराबर है तो ए जो है वो सी के बराबर है, तो उसमें बताने का ऐसा कुछ होता नहीं है. ठीक है सर. राइट? हाँ सर, यही होता है ना जीरोथ लॉ. अगर ए बराबर बी और बी बराबर सी है तो ए बराबर सी है, उसमें क्या बताऊं, कॉमन सेंस है. ठीक है. और सर और एक दिया था, डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजिन और डीजल इंजिन, डिफरेंस एनसीईआरटी में नहीं है. ठीक है सर. ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है. इनका मॉड्यूल ना बहुत सारे कवर करते हैं, करने की कोशिश करते हैं ये. हाँ सर, बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक. हाँ, महाराष्ट्र का भी कवर करते हैं, केरला वाला भी कवर करते हैं, लेकिन नीट में नहीं है बेटा वो. उसको सर कौन कौन सी चीजें नहीं है सर, जो नहीं पढ़ाई वो सब नहीं है सर. आप एक बार मेरा डाउट देख सकते हो, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है वो मैंने देख लिया. हाँ, तुमने पूछा है वेलोसिटी ऑफ साउंड in like the gas sound in gas. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड इज अ वेव और हम ये वेव में पढ़ते हैं. ठीक है, हम वेव में वेलोसिटी ऑफ वेव्स के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, जिनमें से एक होगा अंडर रूट टी बाई म्यू, एक होगा अंडर रूट वाई बाई रो, एक होगा अंडर रूट बल्क मॉडुलस बी बाई रो, एक होगा अंडर रूट पी बाई रो. ये किसने दिया था? आइंस्टाइन ने. आइंस्टाइन ने किसी ने दिया था और ये गलत था. फिर इसका बेटर था अंडर रूट गामा पी बाई रो. किसने दिया था? लैपलेस ने. ठीक है, तो अभी हमने वेव्स पढ़ा नहीं है तो ये हमने नहीं बताया, पर अभी के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो गामा पी बाई रो से तुम या गामा आर टी बाई एम से तुम वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस निकाल सकते हो और यूज कर सकते हो. ठीक है, अगर सर थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नहीं है सर, लाइक केटीजी का पार्ट नहीं है बेटा? ऐसा नहीं है कि ये केटीजी का पार्ट नहीं है. आपने वेव्स नहीं पढ़ा है तो आपने इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी, है ना? तो अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये मैं कैसे बताऊंगा, समझ रहे हो? Yes, तो वेव्स है 11th का लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11. तो ये सारे फॉर्मूले आप वेव्स के वहीं पढ़ोगे. ठीक है, मैंने लिखा. तो अभी सर अभी के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला याद करते हैं, याद कर लो अभी के लिए.
ठीक है, छोड़ भी सकते हो, अभी वेव का क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में। हाँ, इसकी प्रॉब्लम क्या है इस फॉर्मूले की, इट लुक्स वेरी सिमिलर टू दोज फॉर्मूलाज। कौन कौन से थे? 8 RT/mL, 2 RT/mL. बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो गामा है ये एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस लुक्स वेरी सिमिलर टू VRMS एंड वी एवरेज एंड वी मोस्ट प्रोबेबल, बट इट इज समथिंग एल्स। ये पार्टिकल्स की वेलोसिटी है और ये एक वेव की वेलोसिटी है थ्रू दैट मीडियम। ओके सर, एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जस्ट टू शो इट? एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन है? द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट NTP इज दिस। Then the speed in a mixture of hydrogen and oxygen in the ratio 4:1 by volume will be. अच्छा, मैं बताता हूँ, इसको हटा दूँ। मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर हम मिक्स करते हैं गैसेस को तो हम उनका CV/CP निकाल सकते हैं। Yes, sir. क्या हमने मिक्स करके देखी थी कुछ गैसेस? एक कंटेनर में ऑक्सीजन है, दूसरे में हाइड्रोजन है, और फिर हमने दोनों को मिक्स कर दिया, तो बताइए नया CV क्या होगा? CV इक्विवेलेंट, CP इक्विवेलेंट, गामा इक्विवेलेंट। ये वाला पार्ट पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? नहीं सर। नहीं सर, गैसियस मिक्सर वाला नहीं किया। अभी हमारे KTG के फॉर्मूले रह गए, ठीक है? तो अभी KTG का पार्ट रहता है, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट हो गया हमारा, पर KTG का पार्ट रहता है, तो एक क्लास हमको और इसमें देनी पड़ेगी, और देनी भी चाहिए ना। हमने उस बैच में मैंने 15 क्लासेस ली थी, यहाँ अभी तक 11वीं क्लास ही हमारी, ठीक है? तो कम से कम 15 के बाद 12-13 तो लगी जाएगी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मैं KTG के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब लिख के, या तो पहले से ही लिख लाऊंगा या उनके में से कॉपी कर लूंगा, उनको लिखाए थे मैंने लिस्ट में, और उन पर बात कर लेंगे, ठीक है? Yes. सर, इनके बाद अगला एक काम ये कर लेना कि जितने भी डाउट्स हो वो सब इकट्ठे करके भेज देना ग्रुप पर, ठीक है? सर, ये अभी सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? सर, अभी आप सॉल्व नहीं कर रहे ना क्वेश्चन? नहीं, कौन सा वो वाला? अभी नहीं करा, अभी KTG के मैंने तुमको इक्विवेलेंट वगैरह नहीं बताया कैलकुलेट कर। KTG का थोड़ा पार्ट रहता है सर। हाँ मॉड्यूल डिस्कस नहीं, KTG के जितने भी फॉर्मूले वो सब बताने, उनका यूसेज भी बताना पड़ेगा। ठीक है सर। तो मॉड्यूल बहुत बड़ा है, पूरी एक बुक इसके लिए ही है। हाँ, तो एक बार में नहीं हो पाएगा इसका। जैसे जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे डाउट लेक्चर में पूछे तो चलेगा? चलेगा, चलेगा। सर हाँ बोलो, इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करोगे? फ्लूइड्स। ठीक है सर। सर, आपको कोई आइडिया है क्या आप अपना कैसे कंटिन्यू करोगे जब फिर? नहीं, अभी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। सर, आपके आदत छोड़ने वाले हो थोड़ा करके? क्या क्या डिस्कनेक्ट हो गया? ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं, कल मिलते हैं डाउट्स में। डाउट्स भेज देना और
अभी एक क्लास थ्योरी की और लगेगी आपको। सर एक बार आप लास्ट लेक्चर का जो हमने स्टार्टिंग में दो सम के थे वो उसमें जा सकते हैं क्या? कौन सा क्वेश्चन थे? फाइव मोल्स ऑफ डायटॉमिक गैस वाला प्रेशर बम मुझे सिर्फ उसमें देखते हैं। चलो बाय बाय सर थैंक यू बाय सर थैंक यू बाय बच्चों।